नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इट मींस कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीडियवल इंडियन हिस्ट्री, इट मींस मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही लेक्चर नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। और अब आप लोगों को पता है कि अब हमारा लास्ट लास्ट पार्ट चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, दैट इज लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। अभी तक हमने चार डायनेस्टी डिस्कस की है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, चार वंश हमने पढ़े हैं। और ये जो चार वंश हमने अभी तक पढ़े हैं वो हैं कौन कौन से वंश, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली ही डायनेस्टी जिसने दिल्ली पर रूल किया है इन सल्तनत पीरियड इज नोन एज सिलेब डायनेस्टी, या हम उसे ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, जिस वंश के संस्थापक रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो लास्ट रूलर रहे थे वो रहे थे शमसुद्दीन कैमूर्स, 11वें शासक। और फिर सेकंड डायनेस्टी जिसने रूल किया दिल्ली सल्तनत पे वो थी खिलजी डायनेस्टी, 1290-1290 से 1320 तक। और ये जो खिलजी डायनेस्टी थी, ये खिलजी एक ट्राइब जनजाति थी, एक खिलजी ट्राइब जो अफगानिस्तान तुर्किस्तान की जनजाति थी, जो अफगानिस्तान में रहते थे लगभग 200 ईयर्स से। और जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल किया 1290-1290 में। अंतिम जो शासक थे गुलाम वंश के, उनको हराकर या उनको मारकर, और खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजियों का शासन शुरू हुआ जो लगभग 30 साल चला। और इस वंश के पहले ही शासक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम जो शासक थे वो थे मुबारक खिलजी। क्लियर। हालांकि खुसरो खान या खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से उन्हीं का जो सैनिक जनरल था, उन्हीं का जो पार्टनर था अंतिम शासक का, वो कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए शासन में आया, लेकिन फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया दीपालपुर के गवर्नर, जिनका नाम हुआ करता था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। तो अगले जो शासक बने हैं वो बने, अगली जो डायनेस्टी आ गई वो आ गई तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। और तुगलक वंश में भी काफी रूलर्स ने रूल किया है, लेकिन जो पहले शासक थे, फर्स्ट जो रूलर थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर। तो गाजी मलिक के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और फिर तुगलक वंश के जो अंतिम शासक रहे वो रहे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने रूल किया 1414-1414 तक। और फिर दिल्ली पे रूल करने लगी सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। और सैयद वंश के पहले ही शासक रहे खिजर खान या सैयद खिजर खान, और अंतिम शासक रहे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स अपनी इच्छा से ही उन्होंने घोषित कर दिया या ये घोषणा कर दी कि दिल्ली को वो छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। और जब अटैक कर दिया लोधी वंश के फाउंडर ने या लोधी वंश के जो संस्थापक थे, उन्होंने डायरेक्टली जाकर कहा कि या तो आप दिल्ली को मेरी अपनी मर्जी से मुझे सौंप दीजिए, या फिर आप मरने के लिए तैयार रहिए या युद्ध के लिए तैयार रहिए। और उन्होंने अपनी इच्छा से ही दिल्ली छोड़ दी, और दिल्ली पर कंट्रोल हो गया किसका, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश का। तो हम बात करेंगे इसी लोधी वंश की। और ध्यान रखिएगा कि लोधी मूल रूप से अफगानिस्तान से रिलेटेड है, इट मींस कि ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है इंडिया की, इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत पर शासन करने वाली या इंडिया पर या दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली फर्स्ट अफगान डायनेस्टी जो है वो कौन सी है, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश का जो शासन था ना, जो रूलिंग था वो चला है कब से कब तक, तो 1451 से इन्होंने रूल करना शुरू किया, और इनका शासन चला मुगलों के आगमन तक, इट मीन 1526 पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, तब तक रूल किया था किसने, लोधी वंश के ही रूलर्स ने। इस बीच में लोधी वंश के तीन शासकों ने शासन किया है। पहले ही शासक हैं बहलोल खान लोधी, और उसके बाद जो महान शासक कहे जाते हैं वो उनके पुत्र जिनका नाम था सिकंदर लोधी, और फिर एक अंतिम शासक जिनका नाम है इब्राहिम खान लोधी या इब्राहिम लोधी। चलिए, तो तीन रूलर्स रहे हैं इतने पीरियड में, लगभग 70-80 साल का टाइम है, 75 ईयर का लगभग टाइम है, 76 ईयर का। और इसमें रूल किया है तीन रूलर्स ने, जिनके नाम है बहलोल खान, सिकंदर खान लोधी, और आखिरी है इब्राहिम खान लोधी। क्लियर। चलिए, फर्स्टली हम ये समझ लें, कुछ बेसिक से पॉइंट होते हैं जब हम डायनेस्टीज को डिस्कस करते हैं, जब भी वंश को डिस्कस करते हैं, तो हमें तीन पॉइंट्स या चार पॉइंट्स जो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। सबसे पहला ही पॉइंट होता है कैपिटल। और अब आप लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या रही है, दिल्ली रही है, तो इसका आंसर आप लोग इजीली बता सकते हैं कि कैपिटल वॉज दिल्ली। लेकिन इसी सल्तनत के समय पर, इसी डायनेस्टी के समय पर, इसी वंश के समय पर कैपिटल कुछ समय के लिए चेंज हुई थी, या कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई थी या शिफ्ट कर दी गई थी। एक नया शहर फाउंड किया गया था इसी डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट या महान शासक थे सिकंदर लोधी, उन्होंने एक नया शहर स्थापित किया था अपने नाम से, जिसका नाम था सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद को ही बाद में कहा गया आगरा। तो आगरा भी इस समय पर दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बनी थी, इट मीन्स द अनदर कैपिटल वॉज आगरा।
अब क्या होगा कि कैपिटल बार बार चेंज होती रहेगी, कभी दिल्ली कभी आगरा, कभी दिल्ली कभी आगरा, तो दिल्ली से आगरा शिफ्ट होती रहती है। देखिए आगरा की बात की जाए ना, तो दिल्ली और राजस्थान के बीच में आता है आगरा, एकदम मिड में आता है। कौन सा सिटी? आगरा। और आगरा तो सभी लोग जानते ही होंगे, सबसे फेमस है आगरा। क्यों सबसे ज्यादा फेमस है? क्योंकि आगरा में ही है ताजमहल और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है कॉमन लैंग्वेज, वो है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में भी आप लोग आंख बंद करके अब आंसर एक ही लगाएंगे, पूरी दिल्ली सल्तनत में एक ही भाषा चली है, ऑफिशियल हो या सामान्य बातचीत की भाषा हो, वो है फारसी या पर्शियन। तो यहां पे जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? पर्शियन। पर्शियन इट मींस फारसी भाषा का ही यहां पे बोलवाला था, फारसी भाषा ही चला करती थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिलीजन यानी धर्म। और धर्म आप लोग बता सकते हैं कि धर्म है मुस्लिम धर्म, बट यहाँ पे मुस्लिम में भी आपको डाउट होगा या मुस्लिम में भी आपको बताना होगा कि मुस्लिम धर्म की भी कौन सी शाखा या कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुस्लिम धर्म में दो शाखाएं हैं, एक शिया और सुन्नी। और आप लोगों को बताना है ये शिया है या सुन्नी। अब आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, आप लोगों को इतना ही समझना है कि सैयद जो डायनेस्टी थी वो एकमात्र डायनेस्टी थी शिया। सैयद एकमात्र कौन से वंश से, कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? शिया वंश से। और बाकी चारों जो डायनेस्टीज हैं वो सभी डायनेस्टीज हैं सुन्नी। इट मींस कि यहां पर भी आ जाएगा सुन्नी, सुन्नी इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे लोधी वंश के शासक। फाउंडर का नाम आप लोगों को पता है, फाउंडर का नाम है बहलोल खान लोधी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वंश के पहले ही शासक से, या कुछ और थोड़ा सा बैकग्राउंड और हम समझ लेते हैं। देखिए लोधी वॉज, लोधी डायनेस्टी वॉज एन अफगान डायनेस्टी। सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोधी डायनेस्टी वॉज एन अफगान डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी वॉज एन अफगान डायनेस्टी, इस बात को आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में। और दूसरी बात यह, देखिए अफगानिस्तान में एक ट्राइब होती है जिसका नाम था लोधी ट्राइब, जो एक पश्तून ट्राइब कहलाती है, पश्तून जनजाति लोधी। तो लोधी एक पश्तून जनजाति थी, समझ गए? तो लोधी की अगर बात की जाए ना, क्योंकि आपको एंसिस्टर्स या उनके पूर्वज क्या थे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहां पे पश्तून ट्राइब। लोधी वॉज एन पश्तून ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान। लोधी वॉज एन पश्तून ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान। लोधी अफगानिस्तान की ही एक पश्तून जनजाति थी। जैसे खिलजी की बात की जाए तो तुर्किस्तान या तुर्की वाले रीजन की एक जनजाति थी खिलजी जनजाति। क्लियर? इस तरह से चीजें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और गुलाम वंश में तो सभी गुलाम थे। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आगे डिस्कस करते हैं। इन्होंने रूल किया 1451 से लेकर 1526 1526 तक। इस बीच में इस वंश के तीन शासकों ने शासन किया। इट वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है, इसके बाद कोई भी दिल्ली सल्तनत नाम से नहीं बोलेंगे अपन। फिर आ जाएगा मुगल पीरियड या मुगल काल, जिसमें होंगे मुगल सम्राट यानी कि सुल्तान नहीं होंगे, यहीं पर अंतिम सुल्तान इसी वंश के होंगे, जिनका नाम होगा इब्राहिम खान लोधी। क्लियर? इट मींस कि अब यहां पे कोई सुल्तान नहीं होने वाला है, ये जो तीन सुल्तान है ये आखिरी सुल्तान हो जाएंगे। अब कोई सुल्तान नहीं होगा, अब होंगे सम्राट, क्योंकि मुगल काल में जो टाइटल होगा वो होगा सम्राट का टाइटल। क्लियर? बहलोल खान लोधी जो है फाउंडर है, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया था किस डायनेस्टी को? सैयद डायनेस्टी को। तो यहां पे आप लोग इतनी बातें ध्यान रखिएगा, बहलोल खान लोधी रिप्लेस्ड सैयद डायनेस्टी। बहलोल खान लोधी ने ही रिप्लेस कर दिया था सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश को। अब देखिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट रूलर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और पहले ही शासक आप लोग जानते हैं कौन है, फर्स्ट जो रूलर है वो है बहलोल खान लोधी।
तो फर्स्ट जो रूलर हैं वो हैं बहलोल खान लोदी। बहलोल खान लोधी जिनका शासन काल कब से कब तक चला है, जिन्होंने रूल कब से कब तक किया है, 1451 से लेकर 1487 1487 तक 1481 से लेकर सॉरी 1451 है ना 1451 से लेकर 1489 तक, 87 तक नहीं होगा, क्या होगा 89। तो 1451 से 1489 तक 1489 तक ही शासन कर पाए थे बहलोल खान लोधी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, जो लोधी वंश के ही क्या थे, संस्थापक थे। लोधी वंश के संस्थापक बनने से पहले ये पश्तून ट्राइब जो थी, पश्तून लोधी जो जनजाति थी, उसी जनजाति के उसी कबीले के क्या हुए थे, सरदार या चीफ माने जाते थे। क्लियर। तो ये सरदार थे या चीफ थे जब तक ये शासक नहीं बने, तब तक वो जो जनजाति थी पश्तून जनजाति या लोधी जनजाति, उसी के क्या थे, एक सरदार के रूप में जाने जाते थे। इन इस यूथ यानी अपने युवावस्था में अगर बात की जाए तो बहलोल खान एक प्रकार से इन्वॉल्व थे घोड़ों के व्यापार में, यानी घोड़ों को बेचने खरीदने का काम किया करते थे बहलोल खान। देखिए तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, इन हिज यूथ बहलोल वॉज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस, ही वॉज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने काफी अच्छे हॉर्सेस, काफी बढ़िया हॉर्सेस, काफी अच्छी नस्ल के हॉर्सेस जो है बेचे थे, किसे, सैयद डायनेस्टी के शासकों को, सैयद वंश के जो शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह, हमने डिस्कस किया होगा तीसरे शासक थे मोहम्मद शाह, तो उन्हें काफी अच्छे हॉर्स को क्या किया था, बेचा था। इसके बाद जब मोहम्मद शाह इतने पसंद किया उन्होंने उन हॉर्स को, इन उन घोड़ों को, और इतने प्रभावित हुए वो बहलोल खान लोधी से कि बहलोल खान लोधी को उन्होंने इसके इनाम में या इसके गिफ्ट के तौर पर एक पूरा रीजन दे दिया था जिसे परगना कहा जाता है। परगना मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक बड़ा सा एरिया जिसे परगना कहा जाता था, आज के समय का हम जिला समझ सकते हैं, तो एक परगना इन्हें क्या कर दिया, सौंप दिया था। क्लियर। और वहां का इन्हें बना दिया था आमिर, तो एक अमीर या एक आमिर बना दिया था एक परगना सौंप कर, कहां का, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वाले रीजन का। अभी क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ मलिक सुल्तान, मलिक सुल्तान जो गवर्नर थे सरहिंद के, जब मलिक सुल्तान की डेथ हो गई सरहिंद में, तब सरहिंद का ही गवर्नर बना दिया गया किसे, बहलोल खान को। इट मींस कि बहलोल खान शासक या सुल्तान बनने से पहले गवर्नर हुआ करते थे कहां के, सरहिंद के। क्लियर। सरहिंद के ही गवर्नर हुआ करते थे कौन, बहलोल खान। और इन्हीं के हाथ में धीरे धीरे इनका जो क्षेत्र था, इनका जो दायरा था, क्योंकि इनके कार्य कौशल से, इनकी इनके मार्शल आर्ट से काफी एक्साइटेड हुए, काफी प्रभावित हुए दिल्ली सल्तनत के शासक, इसलिए इनका जो रीजन था वो बढ़ता रहा धीरे धीरे, और धीरे धीरे इनका जो एम्पायर था वो लाहौर तक पहुंच गया। समझ गए ना, कहां तक इन्होंने अपना क्षेत्र फैला लिया था, लाहौर तक। क्लियर। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या किया, इनका जो रीजन था, जो क्षेत्र था, वो बढ़ा दिया गया किसके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा, और इन्हें लाहौर वाला रीजन भी इनके नियंत्रण में आ गया, इनके कंट्रोल में आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपना क्षेत्र, अपनी टेरिटरी बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर। ऐसा ही होता है जब भी धीरे धीरे जो महान रूलर या डायनेस्टी बनती है, एक छोटे से व्यक्ति से स्टार्ट होता है, वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे एक पूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। क्लियर। जिस प्रकार हम मराठा एम्पायर की बात करें तो मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था छत्रपति शिवाजी ने, और उन्हें सिर्फ एक छोटी सी जगह मिली थी जो थी पुणे, पुणे की जागीर उन्हें मिली थी उनके पिता से, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपना क्षेत्रफल या क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। और औरंगजेब के साथ उनके कई संघर्ष हुए, पर वो डटे रहे अपनी पोस्ट पर, अपने अपने एम्पायर में, और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूरल डिक्लेयर करवा लिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई, तब उनके पुत्रों ने शासन करना शुरू किया, जैसे संभाजी राजे, राजा राम, और फिर उनके भी सक्सेसर्स आए, फिर पेशवाओं के अधीन मराठा एम्पायर हुआ, और फिर जो एम्पायर था ना, उसकी जो उसका जो क्षेत्र था, वो एक समय पर सबसे शक्तिशाली और सेंट्रल पावर बन चुका था मराठा एम्पायर, जो स्टार्ट हुआ था किससे, पुणे से। पुणे नामक जो महाराष्ट्र में एक शहर है, उस समय छोटा सा जगह हुआ करती थी, और एक इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ जिसने पूरे इंडिया पर रूल किया, कुछ समय के लिए सेंट्रल पावर भी बना।
इसी प्रकार बहलोल खान लोधी जो एक घोड़े के ट्रेडर्स थे या घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे, इन्होंने कुछ अच्छे किस्म के अच्छी नस्ल के हॉर्स बेचे किसे, मोहम्मद शाह को, वो उनसे प्रभावित हुए और उन्हें ही आमिर या धीरे धीरे गवर्नर बना दिया सरहिंद का और लाहौर वाले रीजन का। अभी देखिए क्या हुआ कि एक बार मोहम्मद शाह को हेल्प की जरूरत पड़ी। मोहम्मद शाह के ऊपर मालवा के एक शासक मोहम्मद शाह ने अटैक कर दिया, तो मालवा के एक सुल्तान रहे, उन्होंने अटैक कर दिया मोहम्मद शाह के ऊपर। तब इन्होंने हेल्प के लिए कहा किसे, बहलोल खान को। तो बहलोल खान अपने 20,000 लगभग 20,000 पहाड़ी जो सैनिक होते हैं ना, माउंटेड जो जो फोर्स होती है, उन पहाड़ी सिपाहियों को, पहाड़ी सैनिकों को, योद्धाओं को लेकर जो है वो आए, माउंटेड सोल्जर्स को लेकर वो आए और अकेले दम पर ही मालवा के फोर्स को, मालवा के सैनिकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया विदाउट द हेल्प ऑफ मोहम्मद शाह, अपने दम पर ही हरा दिया। इसी बात से प्रभावित होकर बहलोल खान को मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र ही कह दिया था और एक टाइटल भी दे दिया था उन्हें, खान ए खाना का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था कौन सा, लोधी वंश, जब हमने डिस्कस किया था सैयद वंश के ही तो शासक थे मोहम्मद शाह, उस समय हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें यहाँ पे, इन्हें खाने खाना की उपाधि दी, इन्हें अपने पुत्र की तरह कहा मोहम्मद शाह ने, तो ये सारी चीजें हुई। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे पंजाब से बड़े रीजन के ये क्या बना दिए गए, वायसराय बना दिए गए, गवर्नर बना दिए गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इनका जो रीजन था काफी बढ़ गया और जो पंजाब रीजन था उसके ये पूरी तरह से क्या हो गए हैं, एक रूलर के रूप में, शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। क्लियर, देखिए इन 1443 बहलोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत। अब क्या हुआ है, 1443 में इन्होंने अटैक ही कर दिया किस पर, दिल्ली सल्तनत पर, जिसके नियंत्रण में अभी तक ये वायसराय थे या गवर्नर थे। अब उसी दिल्ली सल्तनत के ऊपर पहली बार कब अटैक कर दिया, 1443 में। और 1443 में अटैक करने के बाद उस समय रूल कर रहे थे मोहम्मद शाह, बट ये अनसक्सेसफुल रहा, ये जो पहला इन्वेजन रहा दिल्ली पर ये सक्सीड नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, समझ गए। तो पहला ही मिशन क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। देन व्हेन मोहम्मद शाह की डेथ हो गई और अलाउद्दीन आलम शाह अगले शासक बन गए, देन ही ट्राई टू अनदर, इन्होंने एक बार फिर ट्राई किया और एक बार फिर अटैक किया, बट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट सक्सेस। तो सेकेंड टाइम भी सक्सेस नहीं रहे, पहला टाइम 1443 एंड सेकेंड जो है वो उसका ईयर यहाँ पे डिस्कस नहीं है या क्लियरली उसको नहीं बताया गया है, अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 1447 के अप्रोक्स इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट किया था, है ना। हालांकि कई बुक्स में ये ईयर थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, तो 1443 और 1447 ध्यान रखिए। ही ट्राई टू इन्वेड या ही ट्राई टू रिप्लेस सैयद डायनेस्टी फ्रॉम दिल्ली, बट ही वॉज नॉट सक्सेस। तो ये दो अटेम्प्ट है ना, ये सक्सेस नहीं हो पाए शुरू के दो अटेम्प्ट। देन फिर क्या हुआ कि जो आखिरी शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, 1448 में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी पोस्ट छोड़कर वो बदायूं चले गए। कहां चले गए, बदायूं। 1448 में अपनी जगह छोड़कर वो बदायूं चले गए, अपनी मर्जी से ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया अलाउद्दीन, हालांकि बोला जाता है डर के कारण। अलाउद्दीन आलम शाह वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर कहां चले गए, अपनी इच्छा से ही छोड़कर बदायूं चले गए और बदायूं में ही उनकी लगभग 1478 में डेथ हो गई। क्लियर, अब अलाउद्दीन आलम शाह जब चले गए तो इस बात की खबर जब मिली बहलोल खान को, तो बहलोल खान आ गए दिल्ली और इन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली। कब, 1451 में, 1451 में ही इन्होंने क्या किया, अपनी डायनेस्टी क्या कर ली, एस्टेब्लिश कर ली। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और, जब ये शासक बन गए, जब ये रूलर बन गए, रूलर बनने के बाद इन्होंने जो रूल किया है, अच्छा किस टाइटल क्या लिया है, तो टाइटल आप लोगों को पता है सुल्तान, और खाने बहलोल खाने खाना की उपाधि इन्हें दी थी मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह की बात की जाए तो हु वाज द रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश के ही तीसरे शासक थे, अंतिम शासक का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए बार बार मैं राजाओं के नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपके दिमाग में जो है इनके नाम फिट हो जाए। एक बार तो आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक बार तो सारी चीजों से एक बार गुजरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ये समझ लें कि इतना आसान नहीं होगा एग्जाम क्रैक कर पाना, कोई भी एग्जाम हो। ऑब्वियसली आप लोग ये समझें कि एक बार अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे कोई सी भी हो, अगर वो निकल गई तो आपको जीवन में फिर कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। किस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, इकोनॉमिकल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, फ्यूचर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, और बाकी टेंशन तो आते रहेंगे जीवन में, जीवन दुखों से भरा हुआ, जैसा बुद्ध धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है,
तो बाकी कष्ट आते रहेंगे बट इकोनॉमिकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर जीवन भर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं हो पाएगी, एक बार तो आपको पूरा चीज पूरी चीजों को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बात हो गई है, बहलोल खान जब रूलर बन गए, जब सुल्तान बन गए, तो राजा बनते ही सुल्तान बनते ही इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने नाम पर कॉइन्स इशू किए, समझे, क्योंकि सैयद वंश पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये लोग तुगलक नाम के ही सिक्के चलाते थे। सैयद वंश के रूलर कौन से सिक्के चलाते थे, तुगलक वंश के समय पर चलने वाले कॉइन्स को ही वो चलाते थे। इन्होंने राजा बनते ही सुल्तान बनते ही सबसे पहला काम किया, अपने नाम के कॉइन्स इशू किए, तो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे और इन्हें कहा जाता था बहलोली कॉइन्स, तो ही इशूड बहलोली कॉइन्स, इन्होंने इशू कर दिए अपने नाम पर बहलोली कॉइन्स। इशू बहलोली कॉइन्स ऑन हिज नेम, अपने ही नाम पर इन्होंने बहलोली कॉइन्स क्या कर दिए थे, जारी कर दिए थे, जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। क्लियर, ठीक है, एक पॉइंट तो ये, देख ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो जो शुरू की स्टोरी बताई ना वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनके जीवन का ना सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य इन्होंने किया था, वो क्या किया था, लगभग 1479 जौनपुर में एक किंगडम रूल किया करती थी, एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, कहां पे, जौनपुर। जौनपुर पता है ना, जौनपुर जो एक सिटी थी, दैट वाज एस्टेब्लिश बाई, जौनपुर एक शहर था जिसे स्थापित किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, अपने भाई जोना खान की मेमोरी में, जोना खान की याद में। जोना खान मतलब कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तो जानते होंगे, पगली सन की शासक, पगला सन की शासक कहा जाता है, हिस्टोरियन एल्फेंस स्टीन ने कहा है, ब्रिटिश इतिहासकार। कब से कब तक रूल किया था, 1351 से लेकर इनका जो रूलिंग था 1325 से 1325 से अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने रूल किया 1351 तक। और फिर आ गए थे कौन, इनके कजिन ब्रदर 42 या 43 ईयर की एज में, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन 26 वर्षों में शासन किया। और सबसे प्रसिद्ध सबसे खास बात, 26 साल के शासन के समय पांच ऐसे कार्य किए हैं, पांच ऐसे ब्लंडर किए हैं, पांच ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो बुरी तरह क्या हुए, फेल हुए, यानी बुरी तरह फेलियर रहे वो पांच। अब वो पांच कौन कौन से फेलियर इनके समय पर हुए हैं, उनके नाम आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब ये शासक ही बने 1525 में, तो लगभग 1526-27 के अप्रोक्स कैपिटल ही ट्रांसफर कर दी। और कैपिटल कहां पहुंचा दी, महाराष्ट्र के देवगिरी में, महाराष्ट्र की कैपिटल हुआ करती थी देवगिरी, वहां पर लेकर चले गए अपनी कैपिटल, दिल्ली से शिफ्ट कर दी देवगिरी। लेकिन चूंकि 2 साल ही रह पाए वहां पे, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी कि कई आधे लोग तो जाते समय ही मर गए, और पूरी तरह से वो कैपिटल स्टेब्लिश नहीं हो पाई, दिल्ली भी चलती रही, देवगिरी भी चलती रही, फाइनली ही डिसाइडेड टू गो बैक। ये क्यों लेकर गए थे, क्योंकि इनके समय पर काफी ज्यादा रिवोल्ट होते थे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में लगभग 27 रिवोल्ट हुए थे साउथ इंडिया में। जैसे ही रिवोल्ट को शांत करके दिल्ली पहुंचते थे, वापस से रिवोल्ट हो जाता था, तो परेशान थे, इसलिए कैपिटल साउथ में लेकर चले गए देवगिरी में, उसका नाम दौलताबाद कर दिया। देन फिर इन्होंने एक अभियान किया, एक प्रोग्राम किया, एक युद्ध अभियान किया, कहां का, खुरासान का। खुरासान जो कहां पर था, अफगानिस्तान में। इन्हें खबर मिली कि वहां पे अनस्टेबिलिटी है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो उस बात का फायदा उठाकर खुरासान पर अटैक करेंगे और वहां पर लूट करेंगे। क्लियर, लेकिन इन्होंने अपनी आर्मी को पहले ही 1 साल की नगद सैलरी दे दी, एडवांस सैलरी दे दी, और ये निकल लिए। हालांकि मंगोलों को हराने जा रहे थे, मंगोलों को हराया और फिर जा रहे थे खुरासान, सिंध में मंगोलों को पराजित करके। अभी क्या हुआ कि खबर मिली कि वहां पे उज्बेकों ने पहले ही अटैक करके लूटपाट कर लिए, तो उनका वो जो प्लान था वो भी अनसक्सेस हो गया, फिर वापस लौटे। अभी क्या हुआ कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया था, आर्थिक मंदी हो गई, क्योंकि 1 साल की सैलरी दे दी, वहां से कुछ मिला नहीं। देन इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी मिंट इशू की, लगभग 1330 में टोकन करेंसी जारी कर दी, और लोगों से चांदी के सिक्के वापस ले लिए, और उनकी जगह पर उन्हें कॉपर कॉइन्स, कॉपर के या फिर ब्रॉन्ज के कॉइन्स दे दिए, उसी वैल्यू के, समझ गए ना। एक टोकन करेंसी इशू की गई थी, चमड़े की या कांसे की, ब्रॉन्ज की, और कॉपर का तो चला ही करता था, जिसे जीतल कहा जाता था, तो उसी वैल्यू का जीतल चलने लगा जिस वैल्यू का टंका चलता था सिल्वर का, ये किया। और इसमें भी
पूरी तरह से धराशायी हो गई, ये भी प्लान नहीं चल पाया। फिर चौथा प्लान इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, दोआब रीजन में क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। ये घटना 1333 के अप्रोक्स मानी जाती है। टैक्स जो बढ़ाया इन्होंने गंगा यमुना के दोआब रीजन में, अब टैक्स जिस समय बढ़ाया उसी समय क्या हुआ, सूखा पड़ गया, तो किसान लोग और परेशान हो गए और किसानों ने जो है अपनी फसलों को खेतों में आग लगा दी और वो भी चले गए। तो फिर किसानों को हेल्प करने के लिए लोन देना पड़ा, एग्रीकल्चर लोन और मदद करनी पड़ी, तो वो प्लान भी अनसक्सेस रहा। फिर पांचवा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कराचिल का सैन्य अभियान किया। कराचिल आता उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र, तो कराचिल के सैन्य अभियान के लिए अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वहां इतनी ठंड पड़ती है कि इनके आधे से ज्यादा सैनिक तो वहां की ठंड के कारण ठंड ही नहीं सहन कर पाए और आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही मर गए। इस तरह पांच अनसक्सेसफुल या फेलियर प्लान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के। क्लियर। खैर फिलहाल हम क्या कर रहे थे कि इनका ही नाम हुआ करता था जोना खां, और इनके भाई ने इन्हीं की याद में यमुना नदी के तट पर जौनपुर शहर बसाया था, और जौनपुर पर रूल करने लग गई थी एक सारकी डायनेस्टी या सारकी वंश। कौन सा वंश रूल करता था, सारकी वंश, कहां पे, जौनपुर में। अभी पढ़ेंगे पूरा का पूरा सारकी डायनेस्टी, लेकिन सारकी डायनेस्टी की सबसे खास बात यह है कि उस डायनेस्टी के समय पर जौनपुर काफी ज्यादा क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आर्किटेक्चरल या वास्तुकला के मामले में जौनपुर विश्व प्रसिद्ध हुआ। कुछ ऐसी इमारतें वहां पे बनी, कुछ ऐसी मस्जिदें बनी जिसके कारण जौनपुर का पूरे विश्व में नाम चला, और जौनपुर को ही कहा जाने लगा सिराज हिंद। सिराज हिंद का मतलब भारत का सूर्य। साथ ही एक मस्जिद पूछी जाती है जौनपुर में जो बनवाई गई थी, जिसका नाम था अटाला मस्जिद। तो ध्यान रखिए, अटाला मस्जिद जो है सारकी वंश की एक शासक इब्राहिम शाह सारकी ने बनवाई थी, और ये जो अटाला मस्जिद है ना, ये जौनपुर में ही है। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी इस सारकी डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किसने किया 1479 में, आंसर होगा बहलोल खान लोधी। तो बहलोल खान लोधी ने ही सारकी किंगडम को पूरी तरह से क्या कर दिया था, सारकी किंगडम को या सारकी डायनेस्टी को समाप्त कर दिया था या उसे एनेक्स कर लिया था, और एनेक्स करके मिला लिया था किसमें, दिल्ली सल्तनत में। एनेक्स्ड सारकी किंगडम इन 1479 बाई बहलोल खान लोधी। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए, तो यहां पे हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा कोई खास पॉइंट है नहीं किसके बारे में, बहलोल खान लोधी के बारे में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बहलोल खान लोधी से रिलेटेड। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनकी जो कब्र है ना, इनकी जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है इनका मकबरा। एक चीज तो फिक्स हो गई कि मकबरा कहां पर है, दिल्ली में ही। बट प्रॉब्लम यह है कि इतिहासकार या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर एक डिस्प्यूट है कि दो जगह हैं, और इतिहासकारों का कहना है कि दो जगहों में से, या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि इन दो जगहों में से कोई भी एक जो है वो बहलोल खान की क्या है, समाधि है। इट मींस द साइट ऑफ हिज ग्रेव इज डिस्प्यूटेड। इनकी समाधि का जो स्थल है, समाधि स्थल है, वो डिस्प्यूटेड है, इट मींस विवादित है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज लॉन्ग डेजिग्नेटेड अ बिल्डिंग क्लोज टू द श्राइन ऑफ द नोटेड सूफी सेंट नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली इन अ लोकेलिटी दैट गोज बाई हिज नेम चिराग दिल्ली एस बहलोल्स नेम। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि जो बिल्डिंग है सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, उन्हीं के समीप जो बिल्डिंग है, जो जगह है, वो इनकी क्या है, समाधि है। लेकिन कुछ अदर या अन्य इतिहासकारों का ऐसा मानना है, अदर हिस्टोरियंस आर्ग्यू, उनको इस पर विवाद है या वो इस बात को नहीं मानते हैं, दैट द शीश गुंबद इन द लोधी गार्डन इज एक्चुअली टू बी आइडेंटिफाइड विथ हिस टॉम्ब। तो क्या है, कुछ लोगों का इस मुद्दे पर यह कहना है कि जो एक्चुअल में इनकी समाधि है ना, वो लोधी गार्डन जो दिल्ली में है उसमें जो शीश गुंबद है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में है टॉम्ब किसका, बहलोल खान लोधी का। आई होप कि इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। और देखिए, पॉइंट तो खाली दो ही हैं, एक तो बहलोली कॉइन जो सिल्वर कॉइन इन्होंने इशू की, और दूसरा है
सारकी किंगडम को पूरी तरह से अबोलिश्ड कर दिया और उसे एनेक्स कर लिया और उसमें मर्ज और उसे मर्ज कर लिया दिल्ली सल्तनत में। इट वॉज द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू बहलोल खान लोधी। उसके पहले की हिस्टोरी, उस जो पूरी कहानी है वो आप ऐसे समझें कि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रहा करते थे, वहीं की किंगडम, वहीं के एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, उसी लोधी जनजाति के चीफ या सरदार हुआ करते थे, घोड़े के व्यापारी। देखिए जो ट्राइब होती है ना, जनजाति, ये जानवरों का ही व्यापार करते हैं, या तो गाय या बैल बेचा करते, या उस समय पर हो सकता घोड़े बेचा करते थे। तो जब ये अच्छी किस्म के इन्होंने घोड़े बेचे तो सैयद वंश के रूलर काफी प्रभावित हुए और इन्हें क्या बना दिया, एक जगह का एक परगना सौंप दिया और वहीं का ये अमीर बन गए। धीरे धीरे जब पंजाब के या सरहिंद के गवर्नर की डेथ हुई तो वहीं के ये गवर्नर बन गए, और जब इन्होंने हेल्प कर दी एक युद्ध में मालवा के शासकों को पराजित कर दिया तो इनका दायरा और बढ़ गया, अच्छे ऊंचे ऊंचे टाइटल्स मिल गए, जैसे खाने खाना जैसे टाइटल्स मिल गए बहलोल खान को। देन जब इन्होंने अच्छी मजबूत स्थिति कर ली, देन ही ट्राई टू अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत, और दो बार इन्होंने अनसक्सेसफुल ट्राई किया, बट वेन ही जब इन्हें पता चला कि जो अलाउद्दीन आलम शाह है उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और वो बंदायू चले गए, देन ही केम एट दिल्ली एंड इन्होंने अपनी डायनेस्टी को क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया है बहलोल खान लोधी के हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में, और जब वो रूलर बन गए तो उसके बाद के दो पॉइंट ये हैं। अब हम बात करेंगे इनकी आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी हु वॉज इब्राहिम खान लोधी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो इस वंश के सबसे महान या इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में जाने जाते हैं। तो इस वंश के सबसे महान या इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में किसे जाना जाता है, इब्राहिम, सॉरी क्या नाम है, सिकंदर लोधी, है ना। इब्राहिम खान लोधी तो आखिरी होंगे, है ना, अगर मैंने इब्राहिम खान लोधी बोला तो वो नहीं है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन हु वाज सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी होंगे इस वंश के अगले शासक। चलिए